मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें इलाज के लिए लाहौर के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवाज शरीफ की तबीयत को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान दिया है। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा है कि वो नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकते। मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान का ये बयान इस्लामाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बाद आया है, जिसमें हाईकोर्ट के बेंच ने कहा था कि इमरान खान की सरकार जेल में बंद नवाज शरीफ के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले। पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार का कहना है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद इमरान खान ने ननकाना साहिब में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं ले सकता, तो किसी और की कैसे लूं? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। दो और मौजू के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आज इस तकरीब का फायदा उठाते हुए। एक, मैंने आज खबर पढ़ी है कि अदालत ने कहा है कि हमारी गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछा है कि क्या आप नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं कल तक? मैं तो अपनी जिंदगी की भी गारंटी नहीं कल तक दे सकता, तो मैं और किसी की जिंदगी की गारंटी कैसे दूं? हमारे दीन में तो अल्लाह ने कहा है कि जिंदगी मौत उसके हाथ में है। इंसान तो अपनी कोशिश कर सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट ने, खास तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पूरी अपनी कोशिश की है। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, उनको खास तौर पर भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गारंटी इंसान जिंदगी मौत की नहीं दे सकता। कोशिश कर सकते हैं, कोशिश हमने पूरी की। गौरतलब है कि अल अजीजिया भ्रष्टाचार केस में 7 साल की सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बिगड़ती तबीयत की वजह से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 26 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को जमानत ग्रांट की है। जमानत मिलने के एक दिन बाद रविवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत और खराब हो गई। उनकी प्लेटलेट 45,000 से गिरकर 25,000 पर आ गई और सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। नवाज लाहौर के सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए अस्पताल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है और वे उनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं।